अस्सलाम वालेकुम। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आर्टरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। सो कोशिश करेंगे बहुत जल्दी इस टॉपिक को क्लियर कर लें। आर्टरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं हार्डनिंग एंड स्टिफनिंग ऑफ आर्टरीज। सो जब आपकी आर्टरीज की जो वाल हैं वो सख्त हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, अपनी इलास्टिसिटी खो देती हैं, उस कंडीशन को आर्टरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और जब ये कंडीशन अकर हो जाती है तो ब्लड फ्लो आपकी आर्टरीज के अंदर आसानी से फ्लो नहीं कर पाता। सो डेफिनेटली फिर उसके कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ओके, एक और वर्ड होता है जिसे आर्टरियोलोसिक्लेरोसिस बोलते हैं। सो जो आपकी स्मॉलर आर्टरीज होती हैं जिन्हें आर्टरियोल्स कहते हैं, उनके अंदर अगर हार्डनिंग हो जाए, उनकी वाल हार्डन हो जाए, तो उस कंडीशन को आर्टरियोलोसिक्लेरोसिस बोलते हैं। सो इससे आपको जाहिर हो चुका होगा कि आर्टरियोसिक्लेरोसिस में जो आपकी लार्ज आर्टरीज हैं उनके अंदर ये कंडीशन अकर होगी। आर्टरियोसिक्लेरोसिस की एक टाइप है, ये आर्टरियोसिक्लेरोसिस जो होती है ये मोस्ट ऑफ द टाइम डिपॉजिटिंग ऑफ कैल्शियम की वजह से होती है। आपके जो वाल्स होती हैं ना आर्टरीज़ की, उनमें कैल्शियम वगैरह की डिपॉजिटिंग हो जाती है, जो कि एक हार्डनिंग कंपाउंड है, सख्त सा कंपाउंड है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी कम हो जाती है आपकी आर्टरीज़ में। सो ब्लड आसानी से फ्लो नहीं करता, उतना ब्लड को रास्ता नहीं मिलता ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि ब्लड आर्टरीज़ की वाल पर प्रेशर लगा कर चलता है, पल्स जनरेट करके चलता है। ओके, आर्टरियोसिक्लेरोसिस की एक स्पेसिफिक टाइप है जिसे एथेरोसिक्लेरोसिस बोलते हैं। और ये क्या है, इसमें आपकी जो आर्टरीज़ की वाल हैं वो थिकर हो जाती हैं, अंदर से तंग हो जाती हैं बिकॉज ऑफ प्लेक। प्लेक की प्रेजेंस की वजह से आपकी जो आर्टरीज़ होती हैं उनके अंदर जो है स्पेस नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है। सो ब्लड फ्लो आसानी से नहीं हो पाता, और अगर ये बहुत ज़्यादा तंग हो जाए आपकी आर्टरी तो डेफिनेटली उसके नतीजे में हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, यानी आपका दिमाग ब्रेन को जो ब्लड जा रहा है वो सही तरीके से नहीं जा सकता। सो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं। प्लेक क्या होता है, स्टिकी डिपॉजिट ऑफ कोलेस्ट्रोल, फैट, कैल्शियम, डेड वाइट ब्लड सेल्स एट्सेट्रा। यानी प्लेक एक स्टिकी डिपॉजिट है जो आपकी आर्टरीज की वाल में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। और इसके अंदर प्लेक में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। सो आपकी बॉडी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो यू हैव ग्रेटर चांस ऑफ डेवलपिंग एथेरोसिक्लेरोसिस डिजीज। इसके अलावा फैट, कैल्शियम, डेड वाइट ब्लड सेल्स, फिर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये भी साथ में डिपॉजिट हो जाते हैं। सो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है और आर्टरीज़ की जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो कौन से सेल से मिलकर बनी होती है, एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है इंटरनल लाइनिंग, है ना, जो आपकी आर्टरीज़ को स्मूदनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये इंटरनल लाइनिंग है और ये किससे मिलकर बनी हुई है, एंडोथीलियम सेल से, एंडोथीलियम से मिलकर बनी हुई है। ओके, बिकॉज ऑफ सम फैक्टर, कुछ फैक्टर्स की वजह से ये एंडोथीलियम जो लाइनिंग है ये टूट जाती है, ये रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग के अंदर जो हैजर्डस कंपाउंड हैं वो डिसरप्ट कर सकते हैं आपकी वाटरीज की इंटरनल लाइनिंग को। हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो यहाँ से जब फ्लो कर रहा होगा ब्लड तो उसकी वजह से रप्चरिंग हो सकती है आर्टरीज के अंदर। हाई ग्लूकोज लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड फैट, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टू डिसरप्ट दिस लाइनिंग। और जब ये लाइनिंग टूटती है तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। सो अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, सो ये नॉर्मल आर्टरी है, इसके अंदर नॉर्मली क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ये ब्लड सेल ट्रेवल कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन। सपोज ये एंडोथीलियम लाइनिंग है और यहाँ से जो लाइनिंग है वो डिसरप्ट हो चुकी है, टूट चुकी है। अब आपकी बॉडी के अंदर फैट के मालिक्यूल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल्स होते हैं। सपोज ये क्या करते हैं, इनको ये जगह बड़ी पसंद आती है जहाँ पर इन्हें स्पेस ही मिलती है और यहाँ पर आकर ये बैठना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी वजह से एक रिस्पॉन्स जाता है वाइट ब्लड सेल्स को, और वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, सपोज मैं ब्लैक में ड्रा कर देता हूँ,
वाइट ब्लड सेल्स आते हैं आकर इन से इस कोलेस्ट्रॉल वगैरह इनको ईट करना शुरू कर देते हैं। सो ईट इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि वहाँ पर ही ये खुद भी मर जाते हैं और डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। सो वाइट ब्लड सेल भी डिपॉजिट हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है, फैट भी है, और इसके अलावा कैल्शियम वगैरह भी इसमें शामिल हो जाती है, यहाँ वाल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। सो आपकी वाल के अंदर, आर्टरी की जो वाल है उसके अंदर इस तरीके से एक स्टिकी डिपॉजिट इकट्ठा हो जाता है जिसे प्लेग कहा जाता है। सो यहां पर क्या बन चुका है, प्लेक बन चुका है, ठीक है, PLAQUE प्लेक बन चुका है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा स्पेस कम हो चुकी है। सो यहां से जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है इसको काफी मुश्किल हो जाती है ट्रेवलिंग में। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। और अगर ये फुली तौर पर ब्लॉक हो जाता है तो डेफिनेटली हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। आपके ब्रेन सेल्स को जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उस कंडीशन को स्ट्रोक कहते हैं, और जब आपके हार्ट में मसला आ जाएगा, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो हार्ट अटैक आ जाता है। सो यहाँ पर ये कंडीशन आपको एथेरोस्क्लेरोसिस मिली है जिसमें प्लेक की डिपॉजिट हो गई है, विच इज़ एक्चुअली द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो आपकी बॉडी के अंदर मेन फैक्टर क्या है, अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप सुनते भी होंगे कि हार्ट अटैक के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। सो दैट इज़ हाउ, इसी वजह से कि ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाते हैं आर्टरीज के अंदर, स्पेस कम हो जाती है, सो ब्लड आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकता। ओके, कॉम्प्लिकेशंस, इट लीड टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, और ये काजेज हम डिस्कस कर चुके हैं। सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन आपकी कैरोटिड आर्टरीज में होती है, ऐसी आर्टरीज जो ब्लड आपके फेस को, ब्रेन को, नेक को प्रोवाइड करती हैं, उन्हें कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं। उनके अंदर ये कंडीशन अगर होती है तो वीकनेस फील होगी आपको, सर दर्द होगा, फेशियल नमनेस होगी, फेस जो है आपका सुन होना शुरू हो जाएगा, पैरालिसिस हो सकता है, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। अगर कोरोनरीज आर्टरीज के अंदर ये कंडीशन अक्कर हो जाती है, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल अक्कर हो जाती है। कोरोनरी आर्टरीज कौन सी आर्टरीज होती हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, क्योंकि हार्ट के मसल्स को भी एनर्जी की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है। सो उनके अंदर अगर ये कंडीशन अकर हो जाती है तो चेस्ट पेन फील होता है, इंजाइना होता है जिसे चेस्ट पेन बोलते हैं, इंजाइना को आगे डिस्कस भी करेंगे। कफिंग आपको फील होगी, एंजाइटी, और ऐसा लगता है जैसे कोई भारी वजन दिल के ऊपर रखा हुआ है, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। और अगर ये आर्टरी फुली तौर पर बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक हो सकता है। कैरोटिड आर्टरीज फुली तौर पर बंद हो जाती हैं तो स्ट्रोक अकर हो सकता है, विच इवेंचुअली लीड यू टू डेथ। रीनल आर्टरीज की बात करें, ऐसी आर्टरीज जो ब्लड को किडनी की तरफ लेकर जाती हैं, तो किडनी अगर अच्छे से काम नहीं करेगा, किडनी की आर्टरीज ब्लॉक होंगी तो लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी, स्वेलिंग होगी, आपके लिम्स वगैरह, हाथ पांव सूज जाएंगे, क्योंकि इन एरियाज़ के अंदर आपका वेस्ट मटेरियल बिल्ट अप होना शुरू हो जाएगा। पेरिफेरल आर्टरीज, ऐसी आर्टरीज जो आपके बाजुओं और टांगों को ब्लड सप्लाई करती हैं, अगर उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन अक्कर होती है तो नंबरें सुन हो जाएंगे आपके हाथ पांव, और दर्द सा फील होगा आपको, ये आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे। अगर ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू गो टू द डॉक्टर और चेकअप करवाना चाहिए, फिर ECG और डिफरेंट चेकअप्स होते हैं, उनकी वजह से ट्रीटमेंट की जाती है। तो ट्रीटमेंट क्या होती है, सबसे पहले तो आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट इस्तेमाल करनी है, और एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल अपना जीना है। इसके अलावा मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बॉडी के अंदर लो करती हैं, ब्लड को पतला करने वाली मेडिकेशन और डिफरेंट टाइप की मेडिकेशन दी जाती हैं, और सर्जरी की जा सकती है, जो पोर्शन है इसमें स्टेंट डाला जा सकता है, ये हम आगे कंडीशन ट्रीटमेंट्स में देखेंगे भी, स्टेंट डाला जाता है ताकि ये आर्टरी यहाँ से ओपन हो जाए। इसके अलावा बाईपास सर्जरी की जा सकती है, सो डिफरेंट टाइप की जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह।